तो जैसा कि आप देख सकते हो कितने सारे घर यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। 1100 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स 3 BHK का ये घर है। इधर सीवर लाइन पड़ रही है, सीवर लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी आपको सीसी रोड पूरी टाउनशिप में मिलेगी। लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट चारबाग पास हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पास मिलने वाली हैं। HDFC है, PNB है, LIC है, ICICI है, इन सभी बैंकों से आपको लोन इजीली हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपको बहुत अच्छे रो हाउसेस दिखाने के लिए आ गई हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और आपके बजट में भी हैं। बिजनौर रोड पे लोकेशन पड़ती है, तो एयरपोर्ट के पास जो लोग घर देख रहे थे उनके लिए आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए एग्जैक्ट लोकेशन एंड प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स जानते हैं। और अखिलेश जी हैं मेरे साथ। अखिलेश जी, ऑडियंस को बताइए सबसे पहले एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है हम लोग। हमारा प्रोजेक्ट नियर ओमेक्स सिटी बिजनौर रोड पर है। यह शारदा नगर विस्तार योजना से पहले पड़ता है। यह शहीद पथ से मात्र 2 किलोमीटर तथा एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, तो काफी बड़ी ये टाउनशिप है। लगभग अभी 300-350 प्लस इनके रो हाउसेस बन के यहाँ पे रेडी है, जिसमें से 20-25 फैमिली शिफ्ट भी हो गई है। 20-25 फैमिली चल रहे हैं बराबर। ये सब आपके ही है ना, ये सब पूरी फैमिली यहाँ रह रही है। ये सभी फैमिलीज रह रही हैं, आप इधर से दिखा सकते हैं, सारी फैमिलीज रह रही हैं इस रूम में। चलिए एमिनिटीज बताइए आप यहाँ क्या क्या देने वाले हैं जो लोग। हम यहाँ पे पार्क दे रहे हैं, गेटेड टाउनशिप है, स्ट्रीट लाइट है, कार पार्किंग, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। नालियों का कवर ड्रेनेज रहेगा, आप देख सकते हैं इसी तरह से। इन सभी घरों में रह रहे हैं, आपका आगे हर घर के सामने पेड़ पौधों का भी प्लान किया हुआ है। आपको अंदर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, क्लब स्पेस, कमर्शियल एरिया, सारी चीज़ें डेवलप करके देंगे टाउनशिप के अंदर ही। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, वाइड्स रोड्स वगैरह, कवर्ड नाली, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। ये फैमिलीज देख सकते हैं आप, यहाँ पे गाड़ियाँ भी इनकी खड़ी हैं, ये लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो मिनिमम जो सबसे छोटा घर है वो किस साइज का है? 745 स्क्वायर फीट से यहाँ पे स्टार्टिंग है। बाकी कॉर्नर के भी हैं, नॉन कॉर्नर भी हैं, सारी चीजें हैं। तो अभी जो हम घर देखने वाले हैं वो कौन सा? अभी हम 1100 स्क्वायर फीट देखेंगे, जैसा हम बना के देते हैं फिनिश बिल्कुल देखेंगे अभी। चलिए, तो 1100 स्क्वायर फीट का घर मैं आपको दिखाती हूँ। आप रोड देख सकते हैं यहाँ पे, 30 से 32 फीट रोड आपको सीसी रोड अंदर मिलेगी टाउनशिप के, बाहर आपको 40 फीट रोड मिलेगी एंट्री गेट पर। अच्छा, मेन एंट्री जो रोड आ रही है वो 40 फीट की आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितने सारे घर यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ 1100 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स 3 BHK का ये घर है। यहाँ पे चाहे 750 स्क्वायर फीट का, आप जो भी स्क्वायर फीट का लेंगे सब आपको डुप्लेक्स 3 BHK मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन में चाहे कि हमें बजट कम है, हमें 2 BHK का ही बना दो, तो 2 BHK का भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्निश चाहे हर तरीके का ऑप्शन है आपके पास। तो 22x50 का ये आप पहले बाहर से देख लीजिए। अभी हम 32 फीट रोड पर हैं, 32 फीट की आपको घर के बाहर की ये जो रोड आप देख सकते हो कितनी चौड़ी है, 32 फीट की है इधर, ये मतलब आप देख सकते हैं सीसी रोड कंप्लीट बन रहा है यहाँ पे। इधर सीवर लाइन पड़ रही है, सीवर लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी आपको सीसी रोड पूरी टाउनशिप में मिलेगी। एंड प्लस क्या है कि आप अगर गाड़ी एक्स्ट्रा है तो आप बाहर भी खड़ी कर सकते हो, क्योंकि रोड आपको काफी चौड़ी मिलने वाली है। आइए अंदर से दिखाते हैं। चलिए, तो ये घर की फिनिशिंग हो रही है, मतलब जैसा कि काम चल रहा है तो धूल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पार्किंग आपको मिल जाती है जैसे ही आप आते हो। पोर्च एरिया है ये आपका, 22x50 में आपका ये घर बना हुआ है 1100 स्क्वायर फीट का। तो ये पार्किंग आपको इस तरफ मिलती है, प्लस इस तरफ आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। देखिए, 2 व्हीलर की पार्किंग के पास बाद भी आप यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं अच्छी खासी। हम इसमें इंडिविजुअल समरसेबल भी देंगे आपको, हर घर में इंडिविजुअल समरसेबल भी आपको मिलने वाला है। इन्वर्टर के लिए स्पेस इस तरफ मिल जाता है। तो अभी लाइट्स वगैरह है नहीं, विदाउट लाइटिंग हम लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करते हो ये आपका हॉल है, ये आपका ड्राइंग रूम मिलेगा। ड्राइंग रूम में हम फॉल सीलिंग करके देंगे आपको, वेंटिलेशन के लिए विंडो होगा, विंडो में आप विंडो एसी और स्प्लिट एसी हमारा आप यहाँ यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है, विंडो एसी चाहे लगा लीजिए, चाहे स्प्लिट एसी लगा लीजिए। ये आपको विंडो प्लस ये आपका ये इतना हॉल है। डाइनिंग एरिया में आपको वॉश बेसिन भी मिलेगा, ये किचन है इधर साइड में, इस तरफ आपको किचन मिल जाएगी प्लस ये आपका डाइनिंग स्पेस है। तो ये किचन में 2 फीट की डिजिटल टाइल्स रहेगी आपकी, ग्रेनाइट का वर्क रहेगा टॉप पे, 4 से 6 सॉकेट रहेंगे पावर पॉइंट के साथ आपके। तो चलिए आप देख सकते हो स्पेस आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाता है, डाइनिंग प्लस हॉल का स्पेस। एंड इस तरफ एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है,
ये आपका इंडियन रहने वाला है, कॉमन वॉशरूम में आपको डिजिटल टाइल्स मिलेंगी, आपका सैनिटरी वर्क भी रहेगा, पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा, 6 से 7 फीट की टाइल्स रहेंगी इसमें। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, पीओपी के साथ आपको मिलता है, इस तरीके का आप देख सकते हो, ओटीएस आपको इस तरफ मिल जाता है, ओटीएस के साथ यहाँ पे आपको एक वॉशरूम मिलता है जो आपका वेस्टर्न टॉयलेट रहने वाला है, जिसे आप अपने दोनों बेडरूम से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ ओटीएस है, इस तरफ वॉशरूम है, दोनों बेडरूम से आप इस टॉयलेट को एक्सेस कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं इसको आप। जी, और यहीं से आते हैं तो ये है आपका सेकंड बेडरूम, ये आपका पूरा सेकंड बेडरूम हो गया। तो स्पेशियस घर दिखता है, एंड विदाउट लाइट शूट कर रहे हैं तो भी आप वेंटिलेशन वगैरह देख सकते हो, अच्छी वेंटिलेशन है। चलिए ऊपर आपको एक रूम दिखाती हूँ। आप ऊपर आते हो, आप देख सकते हो आपको यहाँ टफिन ग्लासेस के साथ काफ़ी बड़ी सी बालकनी मिल जाती है, काफ़ी बड़ी यहाँ बालकनी मिल जाती है, इस तरफ स्पेस मिल जाता है, इधर जाओगे तो आपको छत मिल जाएगा, और इस तरफ भी आपको काफ़ी बड़ा पूरा, जैसा आपको नीचे डाइनिंग स्पेस प्लस हॉल मिला था वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम, एंड इस तरफ एक विंडो मिल जाती है जो आपकी छत की तरफ खुलेगी, एंड इस तरफ भी वेंटिलेशन अच्छा है तो क्रॉस वेंटिलेशन है पूरे रूम में, तो ये काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे ये आपका थर्ड रूम मिल जाता है। चलिए तो अभी 1100 स्क्वायर फिट का 3 BHK का ड्यूप्लेक्स घर आपने देखा, ये बताइए यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज जो है वो कितने का है? 745 स्क्वायर फिट में हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है, जो हमारे यहाँ 3.5 लाख में 33.50 लाख में आपको मिल जाएगा। बट 33.50 लाख से शुरू है 750 स्क्वायर फिट का जो घर है, वो भी 2 BHK डुप्लेक्स इसी तरीके से आपको मिलेगा, बस उसका एरिया थोड़ा कम रहेगा, वो आपको 33.50 लाख से मिल जाएगा। और जो ये देखा ये कितने का है? ये आपका 50 लाख में है, 1100 स्क्वायर फिट, ये भी आपको डुप्लेक्स मिलेगा, कंप्लीट करके दिया जाएगा, फिनिश करके। अच्छा, ये आपका मतलब जैसे आपने बताया ना, इससे पहले भी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर चुके हैं, तो ये आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? ये हमारा सौभाग्य फेज 3 का एक्सटेंशन लिया हुआ है, पहले हमारा 2016 में संगम फेज 1 के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है, बिजनौर रोड पे ही सरवन नगर एरिया लगता है वहाँ पे। इसके बाद हमारा सौभाग्य फेज 1 है, इसी टाउनशिप के अपोजिट साइड में है, फेज 1 हमारा डिलीवर हुआ है 2019 में। और ये फेज 3 है? ये फेज 3, इसमें भी ऑलरेडी 20-25 लोग आके रहने लग गए हैं। लोन वगैरह का क्या प्रोसेस है? लोन आप यहाँ से हमारा करवा सकते हैं, HDFC है, PNB है, LIC है, ICICI है, इन सभी बैंकों से आपको लोन इजीली हो जाता है। फैमिलीज रह रही हैं, इनका हुआ होगा? फैमिलीज रह रही हैं, आप देख सकते हैं इधर चौहान साहब भी रह रहे हैं, कई फैमिलीज रह रही हैं यहाँ। आसपास की लोकेशन जैसा लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट चारबाग पास हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पास मिलने वाली हैं, 10 से 15 मिनट में आप आराम से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, मतलब बाकी सारी कनेक्टिविटी बहुत ईजी है, पास है। बाकी कोई डिटेल कुछ जानना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉल करिए, आके विजिट करके देखिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।